tell you all about it when I see you again. When I see you again. दोस्तों, यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी कर नहीं पाएंगे। दोस्तों, WWE को लंबे समय से फॉलो कर फैन कंपनी के बारे में और WWE सुपरस्टार्स के बारे में लगभग सभी कुछ अच्छी तरह से जानते होंगे। फिर चाहे वह सुपरस्टार का कंपनी में डेब्यू हो या फिर सुपरस्टार के कैरियर से जुड़ी कोई जानकारी। दोस्तों, फैंस ने WWE में शायद हर वह चीज देखी होगी जो सुपरस्टार से जुड़ी हुई है। पिछले कई सालों में हमें WWE सुपरस्टार की अंगिनत तस्वीरें देखने को मिली जो काफी दिलचस्प और फनी है। दोस्तों, लेकिन आज हम आपको WWE सुपरस्टार्स की 10 ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो आपने शायद कभी पहले नहीं देखी होगी। दोस्तों, एक आवश्यक सूचना, इस वीडियो में हम एक गिव अवे करने वाले हैं जिसमें पहले विनर्स को मिलेगा ₹10,000 पेटीएम में और सेकंड विनर्स को मिलेगा Redmi 6A फोन। दोस्तों, पार्टिसिपेट करने के लिए आपको गिव अवे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको केवल साइन इन करके 2 टास्क को पूरा करना होगा और दोस्तों इसका रिजल्ट आपको 1 जनवरी 2019 को बताया जाएगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए आप भी अपनी किस्मत को एक बार जरूर आजमाएं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, करीब 6 हफ्ते पहले रोमन रेंस ने रो में अपनी बीमारी के बारे में दुनिया को अवगत कराया। रोमन रेंस द्वारा कही गई बातों की वजह से लाखों फैंस का दिल टूट गया है। ल्यूकेमिया, जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है, की वजह से रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप छोड़ दी है और अब लंबे समय के लिए कंपनी से दूर हो चुके हैं। दोस्तों, यदि आप भी रोमन रेंस के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो के 20,000 लाइक जल्द से जल्द पूरे कराएं ताकि हम आपको रोमन रेंस से जुड़ी पल पल की जानकारी आपको देते रहें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 1 की। दोस्तों, ब्रोक लेसनर की है फोटो समर सलेम 2003 के एड शूट के दौरान की है। इस फोटो में ब्रोक लेसनर बिल्कुल यंग लग रहे हैं जो कि एक नकली सार को अपने कंधे पर उठाकर फोटो क्लिक करा रहे हैं। फोटो में ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रोक लेसनर तुरंत इस नकली सार को F5 मूव देने वाले हैं। ब्रोक लेसनर की यह तस्वीर वाकई काफी फनी है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 2 की। दोस्तों, जॉन सीना की इस तस्वीर को देखने के बाद शायद कई फैंस को यकीन नहीं होगा कि जॉन सीना कभी ऐसे भी दिखते थे। जॉन सीना की यह फोटो उनके बॉडी बिल्डिंग कैरियर के दौरान की है और दोस्तों, प्रोफेशनल रेसलिंग में एंट्री करने से पहले जॉन सीना बॉडी बिल्डिंग में अपने हाथ आजमाए थे। दोस्तों, जॉन सीना WWE के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक है। 16 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके जॉन सीना फिलहाल कंपनी में पार्ट टाइमर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फैन लंबे समय से उनकी रिंग में वापसी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, जॉन सीना WWE में रिकॉर्ड 7वें टाइटल से बस एक कदम दूर है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 की। दोस्तों, इस तस्वीर में मीन जीन ओकरलैंड और 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन रिक फ्लेयर एक साथ नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर रो 25 साल के एपिसोड के बैक स्टेज की है और आपको बता दें कि मीन जीन ओकरलैंड और रिक फ्लेयर दोनों ही दिग्गज WWE और WCW में एक साथ काम कर चुके हैं। दोस्तों, रिक फ्लेयर को WWE का सबसे लेजेंडरी सुपरस्टार कहा जाता है। उनके 16 बार वर्ल्ड चैंपियन जीतने की केवल जॉन सीना ही बराबरी कर पाए हैं, लेकिन उसे अभी तक जॉन सीना नहीं तोड़ पाए हैं। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 की। यह कहना गलत नहीं होगा कि WWE के इतिहास में एवोल्यूशन ग्रुप सबसे शानदार ग्रुपों में से एक था। एवोल्यूशन ग्रुप में मौजूद सुपरस्टार ने कुल मिलाकर 48 वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किए हैं। दोस्तों, इस साल स्मैकडाउन लाइव में 1000वें एपिसोड के दौरान एवोल्यूशन का एक बार फिर रियूनाइट देखने को मिला जिसमें बतिस्ता, रिक फ्लेयर, रेडी ऑर्टन और ट्रिपल एच थे। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 की। आंद्रे द जायंट प्रोफेशनल रेसलिंग के इतिहास में सभी समय के सबसे महान रेसलरों में से एक है। इसके अलावा आंद्रे द जायंट WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले सुपरस्टार थे। इस फोटो में आंद्रे द जायंट अपने किसी मित्र के साथ किसी बार में बैठे हैं जहां बियर के 6 ग्लास रखे हुए हैं। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 6 की। WWE के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक है द रॉक। दोस्तों, आज हॉलीवुड में सबसे कामयाब एक्टर है। इस तस्वीर में द रॉक मिक फोली वीडियो गेम खेलते नजर आ रहे हैं। इस फोटो में मिक फोली का लुक काफी फनी नजर आ रहा है, वहीं रॉक पूरी तरह से गेम पर अपना ध्यान लगाते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, वर्तमान में द रॉक का WWE में वापसी करने की FI तेजी से चल रही है। दोस्तों, ऐसी संभावना है कि वह रॉयल रंबल
2019 में WWE में वापसी कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं नंबर 7 की। दोस्तों इस फोटो में हम देख सकते हैं कि DX के दोनों मेंबर ट्रिपल एच और सोन माइकल फाउंडिंग ब्रदर्स के रूप में नजर आ रहे हैं। दोस्तों यह फोटो शूट 4 जुलाई में किया गया था। इस फोटो में पीछे स्वतंत्रता की बेल भी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं नंबर 8 की। द अंडरटेकर को WWE में लोकल रूप में लीडर के रूप में माना जाता है। कई फैंस शायद इस बात को नहीं जानते होंगे, WWE में अंडरटेकर का बैकस्टेज एक ग्रुप था जिसे बोन स्ट्रीट क्रू BSK कहा जाता है। इस ग्रुप में अंडरटेकर के साथ पॉल ब्लेयर, सेवियो वेगा, हेनरी गॉडविन, द गॉडफादर और ब्रायन एडम जैसे कई सुपरस्टार थे। दोस्तों जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि BSK के कई सदस्य DX, ट्रिपल एच और सोन माइकल इस फोटो में एक साथ नजर आ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं नंबर 9 की। बतिस्ता को साल 2000 में WWE में साइन किया गया था और जिसके बाद उन्हें डेवलपमेंट के लिए OVW रेसलिंग में भेज दिया गया था। इस दौरान बतिस्ता लिवियाथन गिमिंग के रूप में नजर आते थे। फोटो में बतिस्ता लिवियाथन कैरेक्टर के रूप में नजर आ रहे हैं और दोस्तों यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत लिवियाथन गिमिंग में की थी। और दोस्तों बतिस्ता के साल 2019 में होने वाले रॉयल रंबल में WWE एक बार फिर वापसी करने की अफवाह चल रही है। दोस्तों बात करते हैं नंबर 10 की। WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन कई बार अपनी तस्वीर को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि विंस मैकमैन एक संदूक में लेटे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह संदूक किसी और का नहीं बल्कि अंडरटेकर का था। दोस्तों इस तस्वीर के शूट के दौरान विंस मैकमैन के साथ पॉल बेयर भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप भी भगवान से प्रार्थना करें कि रोमनेस जल्द से जल्द ठीक होकर WWE में दोबारा नजर आए। और दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे Facebook पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।